अस्सलाम वालेकुम। साइंसदानों ने अदादोशुमार मुताबिक जमीन की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल है। इस 4.5 अरब साल की कैलकुलेशन पहली दफ़ा 1956 की क्लेयर कैमरन पैटरसन की सी और उसकी कैलकुलेशन इतनी दुरुस्त थी कि आज भी तमाम साइंसदान उसे की इस्तेमाल करने पे उसके टेक्निक इस्तेमाल की सी। उस टेक्निक सामने से पहले असंगे ये देखना पैसी कि इस तू पहले ले साइंसदान कि टेक्निक इस्तेमाल करने से और उन्होंने कैलकुलेशन मुताबिक जमीन की उम्र कितनी सी। असं सब तो पहले गल कर सा ग्रीक फिलासफर अरस्तू की। अरस्तू यह आया सा कि ना ही जमीन बनाई गई और ना ही जमीन खत्म होने लगी। अरस्तू एक गल तां की सी उसे आया सा कि जो चट्टानों में मौजूद फोसिल्स ते समुद्र के किनारे मौजूद सी शेल्स ये दोए अगे जेवे और ये जो फोसिल्स है ये भी किसी दौर ही जानदार से और इतना ही मुमकिन आ कि पहाड़ भी कदम समुद्र ना हिस्सा होने से। लेकिन वक्त नाल पहाड़ और समुद्र अलग हो गए और अरस्तू ही आया सा कि एक दौर ऐसा सी कि पहाड़ और समुद्र फिर एक ही गए सन। सो अरस्तू ने मुताबक जमीन जिस तरह थे ही इस तरह तसी और ये इस तरह तय ही रह सी, मतलब जमीन कद खत्म नहीं हो रही। अरस्तू तो बाद नजरियाती मजहबी लोग सामने आ गए और उन्होंने अपने अपने मजहब में जमीनी उम्र नापना शुरू करी दी। मिसाल के तौर पर हिंदुआने मजहब में एक उन्होंने खुदा वा ब्रह्मा, हिंदुआने मुताबक जरा इन्होंने खुदा ब्रह्मा वा वो पूरी कायनात की बनाना और वो खत्म करना। पर इस ब्रह्मा ने जिंदगी ना एक दिहाड़ा 8 अरब साल ना हुआ, मतलब 4 अरब साल ने दिन और 4 अरब साल ने रात। और जिस टाइम 4 अरब साल ना दिन खत्म होना और रात पैनी तो ब्रह्मा साहब पूरी कायनात की खत्म करी छोड़ने और नवी कायनात बनाने, मतलब उन्होंने मुताबिक जमीन की उम्र तकरीबन 4 अरब साल सी। उस तो बाद नजरियाती यौदियाँ यह आया कि जमीन जी है 7 अक्टूबर 3761 कबल अज मसीह की बनाई गई और ईसाइया ने सेंट अगस्टिन फादर ने मुताबक जमीन जी है 5500 कबल अज मसीह की बनाई गई। उस तो बाद इन्होंने नजरियाती मजहबी लोग साइंसदानों की तबाही तक रखी छोड़िया और उन्होंने कोई गल नहीं से करो देने। 1608 की टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई और गैलीलियो एक दिन यह तख्या कि जमीन जी है वह सूरज ने गिर्द फिरनी पी। उस तो पहले यह लोगों का तसव्वुर होना सा कि सूरज जड़ा वह जमीन ने गिर्द फिरना पाया। जिस टाइम गैलीलियो एक गल की कि जमीन जी है वह सूरज ने गिर्द फिरनी पी, इन्होंने नजरियाती मजहबी लोग गैलीलियो पर केस बनाई छोड़िया, उसकी जेल बंद करी छोड़िया, फिर उसकी सारी जिंदगी से नज़रबंद करी छोड़िया। उसने जितने भी रिसर्च पेपर से उन्होंने बैन ले गया और वह नज़रबंदी की सूरत ही जी मारिया गया। जिस टाइम गैलीलियो का केस दुनिया साइंसदाना तकिया कि असं भी मारी छोड़ सुन, सो उन्हें भी जी जमीन की उम्र की कैलकुलेशन सी वो इन्हें नजरियाती मजहबी लोगों ने मुताबिक कटना शुरू करी दी। मिसाल के तौर पर जोहानस कैप्टर यह आया सा कि जमीन जी है 3993 कबल अज मसीह की बनाई गई। न्यूटन अच्छी आया यहाँ 3993 नहीं बल्कि 3998 की बनाई गई, मतलब ये जी कैलकुलेशन करने से वो इन्हें नजरियाती मजहबी लोगों के सामने रखी करने से इधर उधर हो गई इन्हें असा कि ठोकी छोड़ना। फिर जॉन लाइटफोर्ड और जेम्स अशर भी दो अजीम साइंसदान से, उन्होंने भी अच्छी ये आया कि जमीन की उम्र तकरीबन 6000 साल। फिर 1715 एक साइंसदान आया जिसने नाम से एडमंड हैले, उसे अच्छी आया कि समुद्र जिसने खारा पानी आ इसने कदम मिठा पानी होना सा और ये जो दरिया इसने अच्छी लगने पे ये अपने नानमकियात आने और इनकी इस खारा बनाई छोड़िया। और उसने मुताबिक जमीन इतनी भी नवी नहीं जितनी 5-7 हज़ार साल आखने पर इतनी भी नवी नहीं है और ये इतनी पुरानी भी जिस तरह हिंदू आखने 1000 साल ही क्या कि 1000 साल हो गए छोड़ना तो समुद्र जोड़ा वा उसने भी अच्छे नमकिया की वैर पानी ना वैर। उस वक्त साइंसदाना के भी पता लग रहा कि जमीन ने कोर इच आयरन मौजूद है या लोहा मौजूद है। कोमटे डी बफर एक छोटा जहा एक्सपैरीमेंट किया, उस 10 आयरन या गेंदा कीतिया, उन्होंने उस पिघलाया, पिघलाने तो बाद उसकी उस ठंडा किया और उन्होंने रेट ऑफ कूलिंग मतलब जरा वक्त दरकार होना उन्होंने ठंडा करने से वह मालूम किया, उसकी उस अर्थ क्रस्ट नाल कंपेयर किया तो उसने मुताबक जमीन की उम्र तकरीबन 75,000 साल से। फिर 8 नवंबर 1895 की एक्सरेज डिस्कवर हुई और ठीक एक साल बाद एक्सीडेंटली तौर पर हेनरी बैकरल ग्रू रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई। जमीन की उम्र नापने से रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करामद साबित हुई और रेडियोमैट्रिक डेटिंग मैथड के जरिए इंसान जमीन की उम्र नापी की थी। रेडियो एक्टिविटी क्या होना और रेडियोमैट्रिक डेटिंग मैथड क्या चीज़ ही इसने पर पूरा अलग सी वीडियो बना सा, फिलहाल इस वीडियो की थोड़ी जी अख्तामी शक्ल देने। अच्छा, इस रेडियोमैट्रिक डेटिंग मैथड के जरिए साइंसदाना कुछ पुराने पत्थर किए और यह मालूम किया ने कि यह कितने डिके हो चुके, फिर इसकी इसने नाउन आइटम ने डिके नाल कंपेयर किया ने तो इन्हें ही मालूम होया कि कुछ कैनेडियन पत्थर या कुछ पत्थर जो कैनेडा ने जमीन तो किए जिन्हें वो तकरीबन 4 अरब साल पुराने पे। ये टेक्निक जिस टाइम मिनरल्स या मादनियात पर इन्हें अप्लाई की तो मालूम होया कि मिनरल जड़े वे 4.37
अरब साल पुराने भी। फिर साइंसदान ये भी आखने से कि जी ये जो सा निजामे शमसी या सोलर सिस्टम आ तमाम जरा वा वो अकैर से बीच बनता। सो कुछ पत्थर जड़े वे दुए सितारे जिस टाइम टूटे और जमीन उपर वो अच्छी लगे जिस टाइम उन्होंने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके फाइंड किया गया तो उन्होंने मालूम होया कि वह भी तकरीबन 4.5 अरब साल पुराने ने। सो जी उम्मीद करना कि तुम वीडियो बहुत ज़्यादा चंकी लगी उसी, अगर वीडियो चंकी लगी वे तो शेयर भी करो, लाइक भी करो, तो कमेंट भी करो, तो यूट्यूब उपर किसी सबसक्राइब भी करो। खैर ये सारिया फर्जी गल्ला होनियां मी पता ये जमीन भावें 4.5 अरब साल या 400 अरब साल पुरानी भी है, तुसें घंटा फर्क नहीं पैना सा। बाकी तुसें पता आखर पर मैं एक गल आखना होना कि खुश रवो, आबाद रवो, टेंशन किसी चीज़ नहीं कि अल्लाह सोने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।